हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो शुरू हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है आज इन कामों के साथ। तो जो ये खंभे बनवाए गए थे, इनमें पतिदेव जो है तरी कर रहे हैं यानी पानी डाल रहे हैं। अभी एक दो दिन तक इनमें तरी करना पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर। और ये तरी कर रहे हैं और अंदर हमारी बिटिया रानी भी आ गई हैं ऊपर। और इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है आज, चारों तरफ धुंध सी छाई है। और उसके बाद ये है चाय पीने का समय। मतलब हम नहाकर भी आ चुके हैं, चाय भी बन चुकी है और सब्जी भी हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पर ये भी नहाकर आ गए थे, तो हमने पहले सोचा लो चाय पी लेते हैं आज, तब इनके लिए रोटी सेकेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर बिटिया रानी की फरमाइशों का पिटारा खुला था आज पापा से। और हमसे बता रही थी कि हमारे पास जूते भी नहीं है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, तो वही इनको समझाया जा रहा था। और चाय पीने के बाद हम आ गए हैं, रोटी सेक देते हैं। ये तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नहाकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ सेक देते हैं, तो ये खाकर चले जाएंगे। उसके बाद हमारे काम आराम से होते रहेंगे। और दोस्तों, आज है 26 दिसंबर, दिन है मंगलवार, सुबह का समय है, बन रहा है हमारा खाना। तो यहाँ पर खाना बना लेते हैं, उसके बाद हमारे कपड़े पड़े हैं उनको भी धुलना है। और इस समय तो समय का पता ही नहीं चलता है, जब से कोहरा पड़ने लगा है तो 12 बज जाते हैं धूप निकलते निकलते, और फिर उधर 3 बजे से हल्का सा अंधेरा होने लगता है। यानी धूप तो बस नाम मात्र ही निकलती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के काम ऐसे होते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, काम उतने ही करने होते हैं और उतने ही समय में करने होते हैं। तो यहाँ पर कपड़े लेकर आ गए हैं, फैला देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय कपड़े सुखाने में। और दोस्तों, ये करीब है 3:30 बजे या 4 बजे का समय। उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना होता है और कभी कभी फोन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। तो सब्जी सब लोगों ने मिलकर काट ली थी, और भी काम थे तो वो भी हो गए थे। अब तैयारी हो रही है खाना बनाने की। तो मम्मी ने जो है बाहर का चूल्हा जला दिया था, कुछ चीजें जो है चूल्हे पर बनेंगी और कुछ चीजें जो है अंदर गैस पर बनेंगी। तो सब्जी सारी कट चुकी थी, उसके बाद मम्मी यहाँ पर बैठकर इनको फ्राई कर रही हैं। जितनी भी फ्राई करने वाली चीजें हैं उनको फ्राई कर लेंगी। तो पनीर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, गोभी है, इन सारी चीजों को फ्राई करते रहना है। तो इतनी सारी तैयारी किस लिए हो रही है? हमारे कुछ दोस्तों ने तो बिल्कुल सही गेस किया है। आज है हमारी प्यारी सी ननद जी का बर्थडे, उनका जन्मदिन है। 26 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और हमारी जो ननद जी है ना, वो बहुत 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 प्यारी हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है हमको कि हमको ऐसी ननद जी मिली है। और 3:30 बजे का या 4 बजे का समय हुआ होगा और खाना बनना शुरू हो गया है। तो अंदर हमने जितने भी मसाले होते हैं वो तैयार कर लिया है, और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों को छील कर काट भी लिया है और धुल के रख दिया है। अब इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे, यानी हम मसाले तैयार कर लेते हैं।
और हमने दो बार सारी चीज़ों को पीसा था, एक बार में नहीं आ रही थी तो हमने कहा चलो दो बार में पीस लेते हैं, और मिक्सी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर सिलबट्टे पर पीसते तो काफ़ी टाइम लगता और लाइट भी आ रही थी तो जल्दी हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पर गोभी जो है फ्राई हो चुकी है, उसके बाद गोभी भी दो दो बार जो हर चीज़ फ्राई करनी पड़ रही थी क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका था, उसमें मम्मी ने हींग जीरा सब डाल दिया, इसके बाद जो मसाले पीसे थे वो भी डाल दिए हैं और ऊपर से भी कुछ मसाले डाले थे, और इस मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। और आज सबसे ज़्यादा जो खुश है ना वो चारू हैं, बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही थी अपने दोस्तों को अभी से बुला लाएं, बलून फुलाएं क्योंकि हमको बहुत सारी तैयारी करनी है, और सुबह से कह रही थी बहुत सारी तैयारी करनी है, आज हमारा जन्मदिन है तो बच्चे तो वैसे भी खुश हो जाते हैं जन्मदिन के नाम से। तो यहाँ पर मसाले पक चुके हैं, जितनी भी सब्जी मम्मी ने फ्राई की थी वो सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं और ऊपर से भी कुछ मसाले इन्होंने डाले थे। और तो ये जो आलू मिक्स की सूखी सब्जी होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है सब्जी को, पनीर भी इसके आगे फेल माना जाता है और मम्मी को हमारी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सूखी सब्जी मिक्स वाली बनकर हो गई है तैयार। ये किसने तोड़ दिया? पापा ने। क्यों? अब हम पूरी कैसे निकालेंगे? हाँ। कचौड़ी कैसे निकालेंगे? हाँ। हाय। दोस्तों को बता दो आज किसका बर्थडे है। अरे जाओ यार, फिर गंदी बात जाओ। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4:30 और खाना बनना अभी से स्टार्ट हो गया है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आज है हमारी प्यारी सी नना जी का बर्थडे। दोस्तों आज है 26 दिसंबर, दिन है मंगलवार, शाम का समय है और बीच में थोड़ा सा वीडियो बनाया था उसके बाद फिर गैप हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो इसी वजह से वीडियो सही से नहीं बन पा रहा था। तो अभी खाना बनना चालू हो गया है, मम्मी जी बाहर लगी हुई है और हम यहाँ पर पनीर बनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि दो जगह पर बनेगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो सारी तैयारियां हमने कर ली हैं सब्जी बनाने की, मसाले भी हमने पीस लिए हैं और ये जो मटर भी उबल चुकी है, पनीर भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो फटाफट से खाना बनाते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया है जीरा और हींग, थोड़ा पकाएंगे उसके बाद इसमें हमने थोड़े से गरम मसाले पीसे थे, जीरा काली मिर्च ये सारी चीज़ें पीसी थी सिलबट्टे पर तो उसको डाल दिया है। उसके बाद ये प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको भी डाल देते हैं। और ये जो मसाले होते हैं ना इनको पकाने में ही समय लगता है, अच्छे से जब पक जाते हैं तभी सब्जी अच्छी बनती है। तो हल्दी डाल दिया है नमक, अब सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद जब मसाले थोड़ा सा पकने लगे थे तो इसमें हमने डाल दिया है पनीर मसाला, और ये देखिए बाहर जाती हैं फिर अंदर आती हैं फिर बाहर जाती हैं क्योंकि बाहर भी खाना बन रहा है और अंदर भी बन रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें हमने पनीर डाल दिया है मटर, अब अच्छे से इसको चलाएंगे। काफ़ी देर चलाने के बाद इसमें हमने डाल दिया है पानी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। तो पानी डाल के हमने इसको ढक दिया है, जब तक सब्जी हमारी बन रही है तब तक हम लगा लेते हैं आटा। और आटे में सबसे पहले हमने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसके बाद अजवाइन, थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है। और कसूरी मेथी डालने से पूरी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और उसके बाद इसमें हम लगा देंगे मोयन, और उसके बाद हाथों से अच्छे से इसको रगड़ेंगे। मोयन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से मिलाना है, सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और पानी डालकर लगाते जाएंगे आटे को। और आटा हम पहले लगा के रख देंगे ताकि जो है फिर पूरी बनाने के लिए ही रह जाएंगे, और अभी पुलाव बनाने के लिए रह गया है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बनती जा रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए पनीर हमारी बनकर तैयार हो गई थी, अब इसमें थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने डाल दिया है थोड़ा सा मावा, और ये मावा हमने अभी घर पर तुरंत ही बनाया है, थोड़ा सा दूध रखा हुआ था तो हमने कहा पनीर में थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाते हैं, अगर आपके पास मलाई हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इससे, और जैसे कि हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही पनीर हमारी बनी थी। और पनीर की सब्जी तो सभी लोग बना लेते हैं और सभी लोग
अच्छी और टेस्टी ही बनाते होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से भी ट्राई करके जरूर देखिएगा और उसके बाद हमको कमेंट में बताइएगा कि इस तरीके से पनीर की सब्जी बनाने से स्वाद कितना ज़्यादा आता है। और हम लोगों का वहाँ पर खाना बन रहा है और इधर जो है बच्चों का डांस शुरू हो गया है। ये अपने दोस्त को लिवा के ले आई हैं कि चलो डांस करते हैं, और उधर बाजा लगा दिया गया है तो साउंड पर सब लोग डांस कर रहे हैं। और कोई भी कार्यक्रम हो फुल इंजॉय तो बच्चे ही करते हैं, बड़े तो सिर्फ काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बलून रखे हुए तो थोड़े से तो वही बच्चे लगे हुए हैं फुलाने में, और ये बच्चे ही होते हैं जो हर कार्यक्रम को खास बना देते हैं, वरना बड़ों को तो इतना शौक भी नहीं होता ये सब करने का। और बच्चे आते हैं तो अच्छा भी लगता है, और हमारे यहाँ हर कार्यक्रम में जो है बच्चों को जरूर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी जो है हमारे लगे हुए हैं डेकोरेशन करने में, कुछ ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि सबका जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता है, बिल्कुल ही सिंपल और साधारण तरीके से बस घर में ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो सामान भी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है, तो बस ऐसे ही सजा दिया गया था। और बच्चे देखिए कितने ज़्यादा खुश थे, मतलब जब से तैयारियाँ शुरू हो गई थी तब से बच्चे आ गए थे कि कब केक कटे, कब सारी तैयारियाँ शुरू हो, कब बाजा बजे, यानी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहता है हर चीज़ में। और उसके बाद खाना हमारा बन गया था, पूड़ी रह गई थी बनाने के लिए, तो हमने कहा तब तक चलो अपनी बिटिया रानी को थोड़ा सा तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये तो कह रही है कि हमारा बर्थडे है तो ये भी साथ में केक काट देंगी, क्योंकि ये मानेंगी तो है नहीं। और आंगन में जला दी गई है आग क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। और अपनी बिटिया रानी को तो रोज़ हम ऐसे तैयार नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ होता है तो अच्छा लगता है ना कि थोड़ा सा तैयार कर दें। हम तैयार हो गए हैं, खाना भी बन गया है, और आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए और बताइए हम आज कैसे लग रहे हैं। आज हम कैसे लग रहे हैं, आ जाइए वीडियो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने चारू महाराज को है रेडी कर दिया है, उसके बाद हम भी जा रहे हैं तैयार होने के लिए। ननद जी भी तैयार हो रही हैं, और ये देखिए इनको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, बच्चों के साथ मिलकर केक उठा लाई है। तब तक तो हमने देख लिया था, हमने कहा चलो अच्छा हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर केक को निकाल के रख देते हैं, और ये देखिए कैसे चाकू को पकड़ लिया कि अब हम तुरंत काटेंगे। तो हमने कहा सब लोगों को आ जाने दो, सबको बुला कर लाओ, दादी को बाबा को, और सब लोग यहीं आग के किनारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, ननद जी भी तैयार हो चुके हैं, और हो सकता है फिर एक सवाल आए कि आपके देवर जी नहीं है। तो देवर जी हमारे इस समय घर पर नहीं है, वो बाहर है इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर तिलक लगा रही हैं, चंदन उठाकर लाई हैं, कह रही बुआ लाओ लगा दे। तो यही टीका लगाया जा रहा है, वो सबको देखा करती है ना कि टीका लगाया जाता है। ठीक है, जले दो, एक जले दो, एक जले दो, एक जले दो, काटो बैठी। पहले सब सब बच्चों को केक कटने से ज़्यादा जल्दी होती है जो बलून लगाए गए हैं वो फोड़ने की। तो यहाँ पर सब लोग लग गए हैं और केक काट कर ननद जी सबको खिला रही हैं, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इनको केक बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो सब लोग आ गए, सब लोग अब ननद जी को खिलाएंगे। और कैसी लग रही है हमारी ननद जी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गिफ्ट में हमने क्या दिया है, तो गिफ्ट में हमने जो है ननद जी को ये ड्रेस दी थी और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इन्होंने कहा हम यही पहनेंगे बर्थडे पर। आप लोग बताइएगा कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो फेस नहीं खराब करेंगे, फेस नहीं खराब करेंगे। लो लो, अरे ले। तो यहाँ पर शगुन दिया जा रहा है ननद जी को, सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर दे रहे हैं, पापा जी मम्मी जी सभी लोग, जितने भी लोग आए थे सभी ने कुछ जरूर दिया था, और सब लोग आ जाते हैं यही बहुत है। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे हमारे और ननद जी के रिश्ते को लेकर, यानी ननद भाभी का जो रिश्ता होता है इस पर कई सवाल उठ रहे थे।
तो वो सब आप लोगों को किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी तो फिलहाल खुशी का समय है, इंजॉय का समय है, तो इंजॉय करते हैं। और केक कट चुका है तो सबके लिए जो है दोने लगाए जा रहे हैं, नमकीन बिस्किट केक। तो आप लोग भी दोस्तों आ जाइए, केक खा लीजिए आकर ननद जी के बर्थडे का। तो यहाँ पर पार्टी जो है शुरू हो चुकी है, नाश्ता मिल गया है इन लोगों को, तो ये लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। और बच्चों का सबसे फेवरेट तो केक ही होता है, और हमारी बिटिया रानी ने सिर्फ केक खाया था, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रखी थी। तो सब लोगों को नाश्ता हो रहा था और हम और मम्मी लग गए हैं पूड़ियाँ बनाने में। तो खाना तो हमारा बनकर हो गया था तैयार, बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालनी थी और सबको खिलानी थी। तो यहाँ पर सब लोग आग के किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा ही हो रही है, दिसंबर महीना चल रहा है तो ठंड तो होगी ही। तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं और सब लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद खाना भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों की पंगत जो है बिठाई गई है, तो सबसे पहले बच्चे ही बैठ गए हैं। और चारू को बहुत शौक है सबको पत्तल धोने देने का, खाना जो है परोसने का, ये सारी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई हमारे घर आए तो हम उनको खिलाएं। तो यहाँ पर पत्तल जो है दे दिए गए थे, उसके बाद इनको हमने बिठा दिया था बच्चों के साथ। हमने कहा इनके साथ खा लेंगी, नहीं तो फिर अकेले ये इतना नहीं खा पाती हैं, फिर खिलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए पंगत का मजा लिया जा रहा है, और बच्चे जो है न्योता खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और सुबह से ही चारू कह रही थी आज हमारे घर न्योता है, न्योते में तुम लोग जरूर आना, यानी अपने दोस्तों से बता रही थी। तो न्योता जो है शुरू हो गया है, तो दोस्तों आप लोग भी न्योते में जो है शामिल हो जाइए। और ये देखिए यहाँ पर शुरू हो गया है डांस, सब लोग मिलकर डांस कर रही हैं, लेकिन हमको बीच बीच में खींच रही थी, हमको तो उतना अच्छा नहीं आता है। और यहाँ पर ये साड़ी आज बहुत ही जल्दी में बनाई है, यानी पिन वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि केक कटने का समय हो गया था तो जल्दी जल्दी में पहनी थी, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा फूली फूली सी लग रही थी। और ये देखिए ये लोग थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब खूब ज़्यादा इंजॉय किया था इन लोगों ने, करीब 8:30 या 9 बज गया था। और चारू सबको हाथ पकड़ पकड़ कर नचा रही थी, और ये देखिए कैसे हमको बुला रही हैं, हम बैठे हैं आग के किनारे तो पकड़ कर हमको खींच कर लाई हैं कि जो है करो आकर डांस यहाँ पर सबके साथ में। और ये लोग अच्छा कर थी, हमको तो बिल्कुल आता भी नहीं है, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए और बार बार कह रही है कि तुम वहां पर मत जाओ, सबके साथ डांस करो। और देर रात तक पार्टी चलती रही है, मौज मस्ती के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया है ननद जी का। और उसके बाद आ गया है खाना खाने का नंबर, तो हमने कहा चलो सबसे पहले अपने दोस्तों को खिला देते हैं। तो यहाँ पर लग गई है थाली आप लोगों के लिए। तो दोस्तों खाना बनकर हो गया है तैयार, आप लोग भी आइए और शामिल हो जाइए हम लोगों के साथ में, और ढेर सारी विशेष दीजिएगा हमारी ननद जी को, उनका आज बर्थडे था। तो सबसे पहले आप लोग जो है खाना खा लीजिए। तो दोस्तों खाने में है सूखी वाली मिक्स सब्जी, और उसके बाद है पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, पुलाव, पूड़ी और सलाद। तो आप लोग भी आइए, खाइए, खाकर बताइएगा कि आपको हमारी खाने की थाली कैसी लगी, और कमेंट में ढेर सारी विषय दीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो सब लोगों की मौज मस्ती के बाद हम लोगों का आ गया है खाना खाने का नंबर। मम्मी जी, पापा जी, हस्बैंड जी सब लोग खा चुके थे जब तक वहाँ पर डांस हो रहा था, और बिटिया रानी हमारी फ़ोन लेकर बैठी हुई है, तो हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद इनको भी सुला देते हैं, और उसके बाद लग जाते हैं साफ़ सफाई में, बर्तन धुल के रख देते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं बाद के। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।